शांत हो जाओ, अरे अरे शांत हो जाओ, सबके सब शांत हो जाओ। ये ढीठ बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे। उड़ गई हवाइयाँ और टेस्ट है, ठीक है। आज देखते हैं तुम्हारी खोपड़िया में हिस्ट्री की फसल कितनी होगी है। अभी सुन, प्ले स्टोर पे एक नया गेम आया है, मैं तुझे लिंक भेजूंगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। हाँ बेटा, तुम मोबाइल रिचार्ज किया है? हाँ सर किया है ना, 3 महीने तक का पर डे 1.5 GB वाला 400 रुपये वाला प्लान रिचार्ज किया है मैंने। तो तुमको चुप रहने के लिए ईमेल करूं? अब जरा सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही सन्नाटा बनाए रखना। खुशखबरी है तुम लोगों के लिए, आज मैथ्स के टीचर नहीं आए हैं, इसलिए दूसरा लेक्चर भी मैं ही लूँगा। अटेंडेंस ले लेता हूँ। जगन जगन, अरे कौन कम वक्त है जो बोल नहीं रहा? क्या हुआ सर, हमसे कह रहे हैं कुछ? अरे अरे तुम हो जगन? अरे बेटा मैं अटेंडेंस ले रहा था, बैठ जाओ बेटा। सूर्या, यस सर, वेंकटेश, प्रजन सर, नीरज, नीरज, अरे कौन है ये नीरज, अभी ये भी नहीं बोल रहा है। सर वो नीरज नहीं, धीरज है, और वो आया हुआ है। कौन तुम, मौन व्रत है क्या? तू तो घोंगे से भी बहुत धीमा है, चल बैठ जा। तेजा, प्रजन सर, विश्वास, यस सर, सम्राट, सम्राट, अरे ये आया है कि नहीं सम्राट? प्रजन सर, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? जाने दीजिए मास्टर जी, मेरी और अटेंडेंस रह गई है, मुझे भी फ्री कीजिए और आप भी फ्री हो जाइए। लेकिन यहाँ तो सभी की अटेंडेंस हो गई है और बाकी बच्चों के नाम यहाँ लाल पेन से लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों, कोई शरारत की होगी? नहीं सर, मजाक किया था आपके पहले वाले मास्टर जी से। तो प्रिंसिपल ने तुम लोगों के नाम मजाक मजाक में लिख दिए लाल पेन से? हाँ। देखो सीधी तरीके से बताओ, क्या मजाक किया था पुराने वाले मास्टर जी से? मैंने सुना था कि वो पुराने मास्टर जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैंने उनकी टेबल पर नकली छिपकली रख दी थी। इसीलिए प्रिंसिपल सर ने तुम लोगों का नाम लाल पेन से लिखा है? नहीं, वो मास्टर जाने के बाद दूसरे मास्टर आए हुए थे। तो फिर तुमने क्या किया? तो मास्टर जी पता चला कि ये वाले मास्टर जी पुराने वाले मास्टर जी से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो हमने इस बार छिपकली की जगह उनके बैग में सांप रख दिया। क्या, वो तो उसे देखकर डर के मारे लाल पीले हो गए होंगे। नहीं, नीले नीले पड़ गए थे मास्टर जी, क्योंकि इस बार मैंने असली सांप रख दिया था। क्या, मेरा बस चलता ना, तुम नालायकों के नाम रजिस्टर से अलग कर देता। आज देखता हूँ तुम लोगों ने इतिहास के कितने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। चलो अपनी अपनी किताब निकालो। कौन सी किताब मास्टर जी? कौन सी किताब, गुड क्वेश्चन। अरे नालायक मैं कौन हूँ? खड़ूज सिंह। क्या वका तूने नालायक? आपका नाम खड़क सिंह। अबे गधे, मैं क्या पढ़ाता हूँ यहाँ? अब तक तो हिस्ट्री पढ़ाते आए हैं। मैं उसी किताब को निकालने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्या अच्छा? 10 मिनट का टाइम देता हूँ, रिवीजन कर लो, और जिस किसी से नहीं बना उसके लिए ये क्लास इतिहास बन जाएगी। पहले किससे पूछूं? हाँ तू ही खड़ा हो जा। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन हैं? चल बता। अभी याद नहीं आ रहा। पता है तुझमें और आर्यभट्ट में बहुत गहरा नाता है। ये कौन है मास्टर जी? मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। सोने की खोज करने वाले आविष्कारक थे वो, आज वो होते तो बड़े खुश होते कि उनका शून्य इतना बड़ा हो गया। चल मुंह बंद करके बैठ जा, चल तू खड़ा हो जा।
क्या हुआ मास्टर जी, अब क्या समस्या हो गई? अरे अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे वाले लड़के से कह रहा हूँ। चल चल खड़ा हो जा। एक बात तो ये कि तू उल्लू की तरह घूरा मत कर, चल बैठ जा। हाँ तू तू खड़ा हो, नवाबों की तरह बैठा है। बता रामन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने 1928 में की थी। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है इस क्लास में? कोई भी आता है और उत्तर देकर चला जाता है। जाने दीजिए सर, ज्ञान कहीं से भी मिले हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आप कोई और सवाल पूछिए ना सर। क्या कोई और सवाल पूछ लें, ये क्लास मूर्खों की क्लास है। इस क्लास में एक भी लड़का होशियार नहीं है, मैं तो कह देता हूँ सभी फेल होंगे इस क्लास में। ये क्या कह दिया मास्टर जी आपने? जैसी हरकतें हैं वही बोल रहा हूँ। ये सभी लोग वहाँ कहाँ देखने लगे, सभी के सभी देख रहे हैं। ये क्या तरीका है क्लास में बैठने का, दादा बन रहे हो इस स्कूल के? चल खड़ा हो खड़ा हो, आज खबर लेता हूँ तेरी। मास्टर जी जरा आंख लग गई थी। ठहर जा, आज अमर करता हूँ तुझे इतिहास में। चल बता, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। हवाई जहाज का आविष्कार? राइट ब्रदर्स ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। अरे ये तो हर सवाल पर मुंह खोल रहा है। क्या हुआ मास्टर जी, अभी मुंह खोला ही कहाँ है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि कल रात आप कहाँ थे। हाँ?